एक ऐसे दिन पर जब निर्भया का फैसला आया है, एक बहुत ही दिलचस्प सेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं जिसका नाम होगा उत्तर प्रदेश में महिला शक्ति। मैं मंच पर एक एक करके आमंत्रित करना चाहूंगी। सबसे पहले स्वाति सिंह जी, एमओएस फॉर वुमेन वेलफेयर उत्तर प्रदेश, मंच पर स्वागत है आपका। स्वाति सिंह जी मंच पर आए, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। गरिमा सिंह जी जो कि विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश में, मंच पर स्वागत है मैम आपका, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अदिति सिंह हमारे साथ एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और आराधना मिश्रा एमएलए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो अगला सेशन ऑल वुमेन सेशन होने वाला है। तो स्वाति सिंह जी हमारे साथ हैं। स्वाति सिंह जी को हमने पहली बार टीवी पे तब देखा जब सीधे लाइव हुआ इस बात पर कि उनके पति को टारगेट किया जा रहा है। वहां से आपके आक्रामक तेवर और उसके साथ यहां तक का सफर क्या है? ये क्या वाकई ये महिला सशक्तिकरण है या राजनीतिक परिवार से ही एक महिला को आगे बढ़ने का मौका मिला है? स्वाति, देखिए मेरा मानना यह है कि महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब यह होता है कि ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया जाए जिसमें एक महिला सही और गलत का फर्क करके एक डिसीजन लेना जानती हो। ये मेरा अपना मानना है। जहाँ तक आपने कहा कि जब मेरे पति पर जो वार हुआ, जो जो चीज़ें बोली गई उसके बाद में सामने आई, तो मैं फिर एक बार आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जब मेरे पति पर जो भी चीज़ें थी, जो भी उनके ऊपर जो एलिगेशंस थे, उसके लिए मैं नहीं आई। मैं तब सामने आई जब मेरी बेटी को और मेरे घर की महिलाओं को, मेरी मदर इन लॉ को बोला गया, तब मैं सामने आई थी। इसको आप ये बोल सकती हैं शायद मेरे पिता ने मुझे ऐसी शिक्षा दी थी, मुझे एक जिस एनवायरनमेंट की मैं बात कर रही हूँ कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए एक महिला के लिए कि सही गलत का फर्क करके डिसीजन ले, शायद उन लोगों ने मुझे ऐसी शिक्षा दी, या शायद मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं गलत जब मैंने देखा तो मैंने वहां पर सवाल खड़े किए। एक पॉलिटिकल फैमिली की ही महिला को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, इसमें मैं ये बोलूंगी। डेफिनेटली मैं पॉलिटिकल फैमिली की थी और मैंने कभी ऐसे मौके को तलाश नहीं किया। अगर तलाश करती तो शायद आज से बहुत साल पहले मैं राजनीति में आ जाती, लेकिन चूंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे इसलिए मुझे बाहर निकलना पड़ा। अगर मैं नहीं निकलती तो शायद दूसरे दिन से मेरे परिवार की महिलाएं खतरे में होती, और सिर्फ मेरे परिवार की, मैं महिलाओं और अपनी बेटी की ही बात नहीं कर रही हूं। अगर ऐसे लोगों को उस दिन नहीं रोका जाता, मैंने ये बात कई बार कहा है, अगर ऐसे लोगों को उस दिन नहीं रोका जाता तो हमारे समाज में, जिस हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं आज़ादी के 70 साल के बाद भी, शायद अगले और 70 साल में हम वुमेन एम्पावरमेंट की ही बात करेंगे और महिलाएं सशक्त नहीं हो पाएंगी। इसलिए ज़रूरी था कि उसी समय उनको वहां पर रोक दिया जाए। और सिर्फ मैं ही नहीं, मैं हर महिला को कहती हूँ, हर बच्ची को। मैं आज यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम करके आई हूँ, वहां भी मैंने बोला कि जब गलत मत करो, और कोई गलत करे तो बर्दाश्त मत करो। ये मैंने बोला, और हर बच्ची हर महिला को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि गलत मत करिए, और कोई गलत करे तो कभी उसे माफ मत करिए, क्योंकि जब आप अपनी आवाज उठाएंगी तो दुनिया आपका साथ देगा। गरिमा जी, दो रानियों की लड़ाई में एक रानी के साथ जनता जुड़ गई, भावनात्मक स्तर पर जुड़ी, और ये तय किया उन्होंने कि आपको ही सत्ता सौंपनी है, आपको विधायक चुनना है। सिर्फ एक इमोशनल फ्रंट पर आपको यह जीत मिली, या बतौर महिला आपको लगता है कि आपने राजनीतिक जीवन में वो सफर तय कर लिया कुछ दिनों में कि आप राजनीति में स्थापित हो गई? देखिए, राजनीति में तो मैं इसलिए आई कि परिस्थितियां ऐसी बन गई थीं कि राजनीति में मुझे आना पड़ा। मेरा परिवार जरूर राजनीति से जुड़ा है, मेरा मायका जरूर राजनीति से जुड़ा है, लेकिन परिस्थितियां ही ऐसी रहीं कि जिसकी वजह से मुझे इस लाइन में आना पड़ा। रह गया मेरे इलेक्शन का सवाल। इलेक्शन में कई विरोधी होते हैं, उसी तरह से मेरी अपोनेंट भी थीं। उन्होंने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया, और फैसला आपके सामने है। जनता ने जो फैसला दिया वो आपके सामने है।
अदिति जी, जो हम ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स इंडिया में देखते हैं उससे बिल्कुल विपरीत आप दिखती भी हैं, बोलती भी हैं। पहले तो अपना यह फैसला कि कैसे राजनीति को बदलना है एक महिला के रूप में, और दूसरा योगी जी का धन्यवाद करेंगी क्या एंटी रोमियो दल पर? 100% करूंगी। देखिए, मैं हमेशा ये चीज कहती हूं, कैंपेन ट्रेल पे भी कहती थी, आज भी कहूंगी, कभी भी जब भी आप लोग मुझे मौका देते हैं स्टेज पे आने का, मैं हमेशा ही कहती हूं, हर चीज को दलों में मत बांटिए, हमारे प्रदेश और देश की तरक्की नहीं हो पाएगी। चाहे वो कोई भी सरकार हो, अगर मुझे नीति या योजना सही लगेगी, मैं जरूर उस सरकार का उस चीज पे साथ दूंगी। एंटी रोमियो में हाँ, बेशक देखिए हर पॉलिसी में इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मेरा यही अनुरोध होगा भाजपा सरकार से कि इंप्लीमेंटेशन पे खास ध्यान दें। हैविंग सेड दैट, जो भी योजना औरतों को ज्यादा मजबूत करती है, मैं आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू कॉमेंट ऑन इट एंड सपोर्ट इट। मतलब आपको लग रहा है कि अच्छा ये बस इंप्लीमेंटेशन में उसको जमीन पर लाने में दिक्कत हुई, नहीं तो फैसला बड़ा अच्छा है? मोस्ट डेफिनेटली, इट्स अ प्रोग्रेसिव स्टेप, कुछ ना कुछ तो डर बने। मैं आपको आज सच बात बताऊं, आज की तारीख में मेरी जनता की कृपा से मैं विधायक हूं, और मेरा भी कर्फ्यू है, क्योंकि मेरे माता पिता को डर लगता है कि हमारी बिटिया कहां रह गई, कितने बजे घर आएगी। मैं खुद मतलब कहीं भी जाऊं तो इस चीज को लेके कॉन्शियस होती हूं कि कितने बजे मैं घर पहुंचूंगी, मैं कहां हूं, मेरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्या है। ये डर हम यूपी की लड़कियों में, इंडिया की लड़कियों में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, ये सच बात है। चाहे विधायक हो, डॉक्टर हो, आप कहीं भी रहें, सबको इस चीज का डर है। मेरे कॉलीग जहां बैठे हैं, आपकी भी बेटियां, आप खुद महिलाएं हैं, जब तक मैं घर नहीं आ जाती हूं, और ये भी अग्री करेंगे, जब तक मैं घर नहीं आ जाती हूं, मेरी मम्मी का 10 बार फोन आता है कि बेटा कहां रह गए, और ये अगर मेरी बहन बाहर होती है, मैं उसे फोन करती हूं। कोई भी मेरी घर की महिला बाहर निकलते ही मुझे डर लगता है, भैया कब घर लौटेगी। तो इस डायरेक्शन में कोई भी स्टेप होगा वो प्रोग्रेसिव स्टेप है। आई एम 100% इन अग्रीमेंट विद दिस स्टेप। आराधना जी, आपसे भी मैं एंटी रोमियो स्क्वाड पर जाना चाहूंगी, और अगर यूपी में महिलाओं का ये हाल था तो उसी पार्टी से हाथ मिला लिया जो इसके लिए जिम्मेदार था? देखिए अंजना जी, अगर हम एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें तो ये कोई आज से 2 साल पहले या 5 साल पहले या 10 साल पहले की कहानी नहीं है। यूपी में हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब की पैदाइश और परवरिश उत्तर प्रदेश में ही हुई है, और शायद ये जो आज माहौल है उत्तर प्रदेश का, ये लोग हम लोग बचपन से देख रहे हैं, और मैं कहूँगी कि झेल भी रहे हैं और बर्दाश्त भी कर रहे हैं। तो जहां तक इसकी बात है, मैं ये नहीं कहती कि कौन सी पार्टी सही है और कौन सी पार्टी गलत है, पर एक बात सही है कि महिलाओं को अगर उत्तर प्रदेश में जो आधी आबादी, आज हम केवल महिला की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस देश की, इस प्रदेश की आधी आबादी की बात कर रहे हैं, अगर हम आधी आबादी को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो हम भविष्य में उत्तर प्रदेश या देश को अगर विकास की बात करें तो हम वो विकास भी नहीं दे सकते अगर हम उस आधी आबादी को सुरक्षित नहीं कर सकते। तो योगी जी ने लगता है कांग्रेस के एमएलए का भी हृदय परिवर्तन कर दिया है। देखिए, अच्छा फैसला लग रहा है आपको? ये हृदय परिवर्तन की बात नहीं है, मेरा सिर्फ इतना कहना है एंटी रोमियो स्क्वाड जो चला है उसमें कुछ जो परसेप्शन था मुख्यमंत्री जी का वो सही हो सकता है, बिल्कुल सही होगा। हम सब लोग चाहते हैं कि जो जिस तरह के लोग स्कूल जाती लड़कियों को, कॉलेज जाती लड़कियों को, ये सारी घटनाएं हम लोग के भी संज्ञान में आती थी, इनको रोका जाए। पर जिस तरह से कुछ खामियां हुई हैं, जिस तरह से इस एंटी रोमियो स्क्वाड को एग्जीक्यूट किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां हुई, उन खामियों को भी हमें रोकना पड़े, ऐसा ना हो। जैसे एक घटना, एक बहुत प्रतिष्ठित विद्यालय है लखनऊ का, महाविद्यालय डिग्री कॉलेज है, वहां पे एक भाई अपनी बेटी को छोड़ने, बहन को छोड़ने जा रहा था, उन दोनों को रोक करके पुलिस ने उन दोनों को, जबकि वो बहन कहती रही कि ये मेरा भाई है, और भाई कहता रहा ये मेरी बहन है, पर जिस तरह से उनको बेइज्जत किया गया, जिस तरह से पुलिस उन्हें अपनी गाड़ी में ले गई, यहां तक कि उसने अपने फादर से बात कराने के लिए इंस्पेक्टर से कहा कि आप मेरे पिता से बात कर लीजिए, पर उसको थाने ले जाया गया। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, ये अच्छा विचार है, अगर ये होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये सकारात्मक कदम है, पर जो इससे जुड़ी हुई चीजें, जो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, वो फायदा नहीं उठना चाहिए। आप लोग पुलिस को समझा ही नहीं पाए कि करना क्या है? नहीं, भाई बहन को रोके, क्रिकेट खेलने से रोक दे, शर्ट पे कहे ये बटन खुला क्यों है, यहां पर दिक्कत हो गई क्या स्वाति? नहीं, देखिए एंटी रोमियो जो बेसिकली इसलिए बना है कि
कोई लड़की और लड़का एक साथ चल रहा है, कहीं बैठा है, तो उसे ना रोका जाए। जो ईव टीजिंग, जो मोलेस्टेशन के जो केसेस होते हैं, उसको रोकने के लिए इसको बनाया गया है। कॉलेजेस में अभी नीलेश जी बोल रहे थे, डिबेट में मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि जब लड़कियां स्कूल कॉलेज से बाहर निकलती हैं तो हजारों आंखें उनका पीछा करती हैं, और वो घर में नहीं बताती हैं क्योंकि वो ये जानती हैं कि अगर हमने घर में बताया तो कल से रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएंगी, उन्हें स्कूल कॉलेज में आने नहीं दिया जाएगा। सिर्फ इन चीज़ों को कि कहीं बच्चियों को पढ़ाई से ना रोका जाए, वो सिक्योर रहें, इसलिए ये चीज़ें बनाई गई थी। जहाँ तक जो आराधना जी ने बोला कि उसमें कुछ लूप होल्स हैं, उसको मैं मानती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स थी उनके ऊपर एक्शन भी हुआ है, जिसने ऐसा किया उसके ऊपर एक्शन भी हुआ। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट डेली हम लोग चीफ मिनिस्टर साहब के साथ हम लोग मीटिंग में रहते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, जब प्रेजेंटेशंस भी चल रहा था, कोई ऐसा दिन नहीं बीतता था जब माननीय मुख्यमंत्री जी ये नहीं बोलते थे कि एंटी रोमियो का मतलब ये नहीं है कि आप कोई राह चलते कोई लड़का लड़की जा रहा है तो उसे परेशान करिए, कोई स्कूल छोड़ने जा रहा है जैसे आपने बताया, इस तरीके से आप किसी को परेशान नहीं कर सकते हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड इसलिए बनाया गया है ताकि ईव टीजिंग के केसेज ना हो, मोलेस्टेशन के केसेज ना हो, इसलिए बनाया गया है। और जहां जो भी गलत रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई की भी गई है। जहाँ तक, क्योंकि मैं सबसे पहले तो आराधना जी का और आदिति जी का धन्यवाद देना चाहूंगी, जैसे आपने बोला कि क्या मोदी जी ने आपके भी दिल को जीत लिया है, शायद बहुत अच्छा समय आ गया है इस उत्तर प्रदेश का और इस उत्तर प्रदेश में कि आज ऐसी सरकार बनी है कि विपक्ष भी साथ में खड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आज के 5 साल के बाद इस उत्तर प्रदेश का चेहरा क्या रहेगा जब सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो और डेफिनेटली मुझे विश्वास है कि जिस महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं, शायद धीरे धीरे इतने जो प्रोग्राम्स, ऑलमोस्ट डेली एक प्रोग्राम होता है महिला सशक्तिकरण पे, शायद वो धीरे धीरे कम हो जाए और हमारे समाज की महिलाएं सशक्त हो जाएंगी। विपक्ष खत्म तो नहीं हो जाएगा, मुझे आप दोनों की बात से आज लग रहा है कि पूरी तरह से धराशायी और ध्वस्त है विपक्ष यहाँ पर। पिछले बहुत सारे सालों में हम लोग ने क्या किया, हम लोग विपक्ष का मतलब मान लिया है कि विपक्ष का मतलब है बस बैठ के विरोध करो, पर हम ये नहीं करेंगे। देखिए, लाइक आई सेड, अगर कोई पॉलिसी सही होगी, योजना सही होगी, अगर हम उस पे अग्री नहीं करेंगे, एट द एंड द नेशन सफर्स, प्रदेश का हित नहीं होगा, देश का हित नहीं होगा। विपक्ष सही बात पे पूरा सहयोग करेगा, विपक्ष ऑल्टरनेटिव रखता है, वैकल्पिक ऑल्टरनेटिव देते हैं कि ठीक है अगर ये योजना है तो हमारे ख्याल से, जैसे अभी मेरी कॉलीग आराधना जी ने बताया, आराधना दीदी ने बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, भाई बहन को ट्रबल कर रहे हैं, तो सी वर्क ऑन दिस। अगर हम लोग एक साथ जब काम करेंगे, लूपहोल्स पॉइंट आउट करेंगे, प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट करेंगे, तभी प्रदेश की तरक्की होगी, एंड दैट्स आवर लक्ष्य हम सबका। अंजना जी, मेरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट आपका मतलब इस जो इशू है वो है वेमेन एम्पावरमेंट। ये एक सिक्योरिटी एक एस्पेक्ट है, पर कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि हिंदुस्तान में ही नहीं, देश में जो सबसे ज़्यादा वर्किंग आवर्स हैं, आप तो, आपको मैंने बहुत मेहनत और काम करते देखा है, नंबर ऑफ आवर्स मैंने कई कई दिन देखा है कि आप रिपोर्टिंग करती रहती हैं लगातार, अगर आप उसका अनुपात देखें तो जो इनकम विमेन को मिलती है वो उस अनुपात में नहीं मिलती। आज जितना काम महिलाएं, हमें तो गांव, रूरल क्षेत्र से आती हूँ, गाँव से आती हूँ, अदिति जी भी आती हैं, जिस तरह से महिलाएं गांव में खेत में काम करती हैं, सबसे ज्यादा वर्किंग आवर्स उनके होते हैं, पर क्या लैंड होल्डिंग कितनी है? पूरे हिंदुस्तान में ओनली 1% लैंड होल्डिंग है महिलाओं के नाम पे। मेरा एक कहना है कि हम आज सुरक्षा की बात करते हैं, पर महिला सशक्त तभी हो सकती है जब तक उसके पास आर्थिक उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो कभी सशक्त नहीं हो सकती। मेरे दो सुझाव हैं। आज स्वाति जी हैं और मैं इनका बहुत सम्मान करती हूँ, इसलिए सम्मान करती हूँ कि ये एक सशक्त महिला हैं, इन्होंने मजबूती से जो गलत हुआ उसमें इन्होंने आवाज़ उठाई। मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ क्योंकि ये विभाग इनके पास है। आज हम 33% आरक्षण महिलाओं का मांग करते आए हैं नौकरी में, उनको 33%। मैं ये नहीं कहती कि अलग से 33% आरक्षण आ जाए, पर जिस वर्ग की महिला है उस वर्ग की महिला, जिस वर्ग में का आरक्षण है उस वर्ग की महिला को नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी उसकी जरूरत नहीं, इसका सुझाव कानूनी राय ले ली जाए, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें सिर्फ एक इच्छा शक्ति चाहिए सरकार को कि महिलाओं को आगे लाने, जैसे 33% आरक्षण पंचायत में राजीव गांधी जी लेकर आए थे, उसी तरह से हमें नौकरी में भी उस वर्ग की महिलाओं को
आरक्षण देना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। स्वाति जी, इस पर रिएक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस ने 33% की बात की थी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी साथ में थी, पर इस पर तो कोई भी पार्टी ईमानदार नहीं थी। मैं एक सेकंड में बता रही हूँ, लेकिन किसी भी डिसीजन को, जो आप डिसीजन ले रहे हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कंसेंसस बनना बहुत जरूरी है। मैं सरकार में हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ। मैं अगर बहुत छोटी सी बात करूँ, तीन तलाक की मैं बात करूँ, तीन तलाक के लिए एक दिन अभी मीटिंग भी हुई थी, हम लोगों ने मीटिंग किया था, किस तरीके से उनकी राय जाने, किस तरीके से उनके हम राय लें, उसमें कंसेंसस बनाने में हम लोगों ने 2-3-4 घंटे मीटिंग किया, बट आज सच कुछ निकल कर नहीं आया। फिर एक कमेटी बनाई गई कि वो एक रिपोर्ट तैयार करके दे किस तरीके, क्योंकि हमारे चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, चाहे मेरे पास, चाहे रीता जी के पास, चाहे हमारे सरकार के और मंत्रियों के पास इतनी महिलाएं जाती हैं, लेकिन उसमें अभी हम कंसेंसस खोज रहे हैं, कंसेंसस बन जाए, किस तरीके से हम अपनी बात रखें ताकि उन महिलाओं को भी उनका अधिकार मिले। तो जरूरी है, किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंसेंसस बनाना जरूरी है, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि शायद वो कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, इसीलिए इन चीज़ों में टाइम लग रहा है, लेकिन होगा, आपकी सरकार इस तरफ बढ़ बिल्कुल रही है, होगा भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, तीन तलाक की बात करें। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे मैनिफेस्टो में भी, जो संकल्प पत्र था उसमें भी ये कहा गया था कि हम मुस्लिम महिलाओं की राय जानेंगे और उनकी बात को कोर्ट में रखेंगे, ये हम लोगों ने बोला था। कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो मेरे पास आई, मतलब ऐसी ऐसी चीजें हैं उसमें, मैंने इन चीजों को जाना कि अगर एक मुस्लिम पति अगर वॉल पे भी तलाक 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 लिख देता है और उसकी पत्नी वो देख ले तो तलाक हो जाता है। अगर एक मुस्लिम महिला को किसी उसके पति ने मजाक में भी तलाकशुदा बोल दिया तो तलाक हो जाता है। मजाक बन के रह गई है एक महिला। बात यहाँ हिंदू या मुस्लिम या किसी धर्म या जाति विशेष की बात नहीं है, एक महिला की बात है। हम जिस महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, उसी देश में आज महिलाओं की ये स्थिति है कि सिर्फ तीन शब्द से उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया जा रहा है। जब हम मीटिंग कर रहे थे तो वहां पर जो बहुत सारे एनजीओज के लोग आए थे, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट आए थे, बहुत सारे जो मीडिया से रिलेटेड थे, प्रेस के थे, वो लोग आए थे। वहां से निकल कर ये आया कि ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं जो होती हैं वो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, तो वो इस लायक ही नहीं है कि जब उनको तलाक देकर अलग कर दिया जाए तो वो इंडिपेंडेंट है नहीं, वो अपने बच्चों को पाल नहीं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि आप लोग जानबूझकर ये थोप रहे हैं, एक विशेष धर्म पर उंगली खड़े कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक तो बहाना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, और इसीलिए इस दिशा में आपकी सरकार बड़ी प्रोएक्टिव हो गई। देखिए, जैसे थोपने की अगर आप बात कर रहे हैं, अगर हम जबरदस्ती थोपते किसी पर तो शायद डेली आप जाकर मुख्यमंत्री जी के यहाँ जब जनता दर्शन होता है तो उसमें कम से कम मुझे लगता है डेली 50-60-70 महिलाएं रहती हैं। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर एक मंत्री एक दिन मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाकर बैठता है, मैंने भी देखा है, सब देखते हैं कि कितनी महिलाएं। हम किसी को जबरदस्ती तो बुलाकर नहीं लाते हैं ना। कोई माँ आती है अपनी बेटी को लेकर कि इसको छोड़ दिया गया है, कोई माँ आती है अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कि हमें छोड़ दिया गया, हम कहाँ जाएं। अगर जबरदस्ती हम करते, जबरदस्ती हम ये चीजें थोपते तो शायद वो महिलाएं मुख्यमंत्री जी के दरवाजे तक नहीं आती। कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हो रहा है, उस पर वो उनको आवाज नहीं उठाने दिया जा रहा है। थोपने की बात अगर आप कर रही हैं तो मैं तो बार बार मैं कहती हूँ कि जब राइट टू इक्वालिटी की बात वो लोग करते हैं, मेरे मुस्लिम भाई भी बोलते हैं, हम सब बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी, क्यों नहीं महिलाओं को भी तीन तलाक का पावर दे देते हैं, वो भी करें, उनके पास भी राइट होना चाहिए, आप भी तीन तलाक दे सकते। देखिएगा उसी दिन बोलेंगे ना जितने मुस्लिम भाई हैं, कह देंगे भैया हटाई दो इसको, अबॉलिश कर दो। पाकिस्तान के साथ साथ 21 ऐसे पाकिस्तान को लेकर 21 ऐसे मुस्लिम कंट्री है जहां पर तीन तलाक नहीं है, तो भारत में क्यों यहां पर महिलाओं को एक्सप्लॉइट किया जाएगा? क्या मैं मानूं कि इसमें भी कांग्रेस पार्टी का साथ है? देखिए, जहां तक तीन तलाक की बात है, ये एक वर्ग विशेष की आस्था से, उनकी रिलीजन से जुड़ा हुआ प्रश्न है और इस पर बड़ी डिबेट चल रही है। मेरा इससे हटके मेरी अपनी राय है। मैं ये नहीं कहती कि ये हिंदुओं का या मुस्लिम्स का या सिख का या ईसाई का किसी भी वर्ग की महिला हो, उसका सम्मान, उसकी आत्मरक्षा बहुत जरूरी है। अगर किसी भी चीज से उसका सम्मान घटता है इस तरह से कि उसको डोरमैट की तरह इस्तेमाल किया जाए, ये किसी भी रिलीजन में एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी भी महिला में, किसी भी सोसाइटी में वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता।
मैं एक बात और इस बात पे कहना चाहती हूँ कि हम लोग गांव में जब जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हिंदू घरों में भी लड़कियां वो गांव में रह रही हैं, उनके पति शहर में हैं, वहां उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है। बहुत सारे ऐसी घटनाएं आपके सब आपके चैनल पे भी कई स्टोरीज देखी है मैंने, कई जगह हम लोग देखते रहते हैं। मेरा सिर्फ एक बात का कहना है कि ये एक मुद्दा बन के ना रह जाए चुनाव का। तीन तलाक तो चुनाव खत्म हो गए, नहीं जो हो गया ये उस पे ये उस वक्त शुरू हुआ। अगर इस पे कोई कॉन्क्रीट डिसीजन आना है, अगर वाकई सरकार इसको लेकर के सीरियस है, तो इसका कोई ना कोई रास्ता, चाहे वो डायलॉग से निकले या जिस भी तरह से निकले, इसका कहीं ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। और मुस्लिम महिलाओं के साथ साथ जो और रिलीजन की महिलाएं जो ये पीड़ा फेस करती हैं और जिनको आज ये क्योंकि एक एक दल से एक उस समाज से जुड़ी है इसलिए फोकस हो रहा है इन पे, पर क्या वो लड़कियां जो किसी बिना किसी गलती के इस तरह की और किसी धर्म से नाता रखती हैं, क्या उनके साथ संवेदना नहीं होनी चाहिए? नहीं, आराधना जी मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगी, किसी भी हिंदू लड़की को एक्सप्लॉयटेशन की बात मैं मानती हूं, लेकिन इस तीन शब्द की बात हो रही है कि आप तीन शब्द बोलकर किसी हिंदू में हम तीन शब्द बोलकर छोड़ नहीं सकते हैं। अब आप जिस कह रही हैं कि उनके धर्म की बात है, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, एक हलाला होता है, अगर जिससे तलाक हुए वो महिला उसी से अगर शादी करना चाहे तो उसको एक हलाला जो इनका जो एक मान्यता है इनकी उसको निभाना पड़ता है कि किसी गैर पुरुष के साथ रहना पड़ता है, ये कौन सा धर्म है। उस महिला के दिलो दिमाग पर क्या होता होगा जब एक महिला को एक सामान की तरह लोग यूज करते हैं और उसका पति बोले कि अगर तुम्हें फिर मेरे साथ निकाह करना है तो किसी दूसरे आदमी के साथ रहो। कौन सा कस्टम है ऐसा, किस महिला को यह मंजूर होगा कि मुझे सामान की तरह यूज किया जाए? मैं बिल्कुल आराधना जी माफी चाहती हूं, लेकिन इस बात से मैं जरा भी तकल्लुफ नहीं रखती हूं कि किसी धर्म विशेष की बात है हम उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते, क्योंकि महिला के मान सम्मान की बात है, क्योंकि महिला के इज्जत की बात है, क्योंकि महिला के सशक्तिकरण की बात है, तो बिल्कुल इंटरवीन करेंगे। और मेरी पार्टी भी खड़ी है और एक महिला होने के नाते मैं हमेशा उन महिलाओं के साथ खड़ी। नहीं, मेरा आपसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर वो किसी भी महिला, मैंने आपने शायद मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया स्वाति जी, मैंने यही कहा कि वो किसी भी महिला के सम्मान से जुड़ा हुआ अगर प्रश्न है तो वो किसी भी धर्म से ऊपर है। हम सब, चाहे वो किसी भी दल और किसी जात के हों, हम कुछ किसी भी चीज के पहले हम एक बेटी है, एक माँ है, एक बहन है। एक महिला होने के नाते हमारी पूरी संवेदना एक महिला के साथ होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन शाहबानों वाली कांग्रेस पार्टी की आज भी घबराती है ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर? बिल्कुल नहीं घबराती, बिल्कुल नहीं घबराती। कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है और जिसका इतिहास आजादी के पहले से है अंजना जी। और इस पार्टी ने हिंदुस्तान को सबसे पहली, अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो पहला महिला मुख्य प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी ने इस देश को दिया था। पहली राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल कांग्रेस पार्टी ने दी थी। तो हमसे ज्यादा महिला सशक्तिकरण आज बता दीजिए मुझे कौन सी नेशनल पार्टी है जिसके सर्वोच्च स्थान पर एक महिला बैठी है जिसका हम सब सम्मान करते हैं, सोनिया गांधी जी बैठी हैं। अगर महिला सशक्तिकरण का फॉर्मेट देखना है तो वो कांग्रेस पार्टी में है और किसी दूसरी पार्टी में। गरिमा जी, महिला सशक्तिकरण अगर आपको सही मायने में देखना है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ देखिए, वो बता रही हैं। है बीजेपी में, या बीजेपी ने देखा कि गरिमा जी तो टिकट दे दिया तो जीत जाएंगी बीजेपी में अमेठी में, तो गरिमा जी को टिकट दे दो। देखिए, इस बहस में मैं समझती हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी है नैतिकता। यदि हमारे समाज में नैतिकता आएगी, हमारे भाई बंधु, हमारे बच्चे नैतिक शिक्षा लेंगे, तो धीरे धीरे ये समस्या अपने आप कम होती चली जाएगी। मैं ये नहीं कह सकती कि ये तुरंत हो जाएगा या इसमें गवर्नमेंट प्रयत्न न करे, सरकार कोशिश न करे, लेकिन इसमें नैतिकता की बहुत ही मुख्य विचारधारा से जुड़ना चाहिए, उसकी मान्यता करनी चाहिए। और मैं ये भी साथ में कहूंगी कि हमारे लड़कियों को भी थोड़े अपने आचार विचार और वेशभूषा में गौर करना चाहिए। उनकी वेशभूषा का गौर करना उनके लिए आवश्यक हो गया है, क्योंकि हमारे समाज का इतनी पतन हो चुकी है
कि लोग नहीं समझते, नहीं देखते कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। वेशभूषा में गौर करना है मतलब क्या करें? वेशभूषा में गौर करना है कि खुले ना पहने, इस तरह से ध्यान रख के, मतलब पुरुष अपनी नजर ठीक ना करें, हम कपड़े सोच समझ कर पहने कि कितने मीटर पहनेंगे तो नाखून नहीं दिखेगा। देखिए वो तो हम भी देखते हैं कि ये लड़की कैसे जा रही है, या अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही है, स्वाभाविक है, बच्चे भी देखेंगे। तो उसी पर हम कह रहे हैं कि अपने आचार विचार और वेशभूषा पर ध्यान रखें। गरिमा जी, मैं एक्चुअली आश्चर्यचकित हूँ कि अब आप विधायक भी चुन गई हैं, जो पार्टी सत्ता में है उस पार्टी से आप हैं, और आप ये कह रहे हैं कि लड़कियां ये सोचें कि उनको क्या पहनना चाहिए, बच्चे देखेंगे सीखेंगे, मतलब सारा ओनस लड़कियों पर डाल दो। क्या आपको लगता है इस देश में तो जो बुर्का पहन के निकलती हैं उन पर भी बुरी नजर डाली जाती है, ये कैसी सोच है? नहीं, ये तो बड़ी रूढ़िवादी सोच आप लेकर आ रही हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में एक से एक सुंदर सुंदर सभी कुछ, पोशाक भी है, सब कुछ है, विचारधारा से भी और अपने पोशाक से भी और अपने संस्कार से भी हमको सभी पर गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम कैसे हैं। सम्माननीय रहेंगे तो सम्मान भी मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है समाज में इतना भी सम्मान कपड़ों से आता है। कपड़ों से सम्मान नहीं, कपड़ों से भी आता है, जरूरी नहीं है, लेकिन विचारधारा से भी सम्मान आता है, वार्तालाप से भी सम्मान आता है, आचार विचार से भी सम्मान आता है। मतलब ये पुरुषों के लिए वाला मापदंड नहीं होता है? नहीं, क्यों नहीं होता है, पुरुषों के लिए भी बहुत सी नैतिकता है, इसीलिए मैंने नैतिकता की बात की कि पुरुषों के लिए भी औरतों के लिए भी नैतिकता प्रथम आवश्यकता है जिसपे हमें आगे बढ़ना चाहिए। स्वाति जी, आप सहमत हैं इनसे? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली जगह के हिसाब से कपड़ा पहनना चाहिए, लेकिन कपड़े से कोई लोग, देखिए अगर मैं सोच के बारे में कहूँ, लोगों की सोच गंदी होती है, कपड़ा पूरा भी पहने, मैं निर्भया कांड की बात करूँ तो उस लड़की ने तो पूरे कपड़े पहने थे, लेकिन उस लड़की के साथ जिस तरीके की घटना घटी, लोगों ने जितना कहना चाहिए कि बिल्कुल शायद राक्षसी प्रवृत्ति हो गई थी उन लोगों की, कपड़े से नहीं होता है, बिल्कुल भी कपड़े से। ये मेरा मानना है कि किसी के कौन कैसा कपड़ा पहनता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जरूरत है कि समाज को हम बदलें, समाज की सोच को हम बदलें। अदिति सिंह, ये हैरानी और अफसोस की बात है कि इस मंच पर हम कहां से शुरू हुए थे और कपड़ों पर पहुंच गए। ये हमारी सोच है जो हमें अंदर में समझना है और उस पर बात करनी है। Seriously, we always start out with very very intellectual topics and it always just comes down to ladki ne kya pehna, kahan gayi, kya khaya, kiske saath. Rajneeti mein bhi dabav hai ki aap matlab jeans ya t-shirt pehen ke nahi ghume, sari aur pallu pura dal ke ghume, tabhi shayad aapko gambhirta se liya jayega. मैं आपको बता दूं, बीइंग अ यंग विधायक, लकली मैंने पर्सनली बहुत ज्यादा पोशाक पे तो फेस नहीं करा है, पर मैं आपको एक घटना बताती हूँ। एक बार मैं अपने छोटे भाई के साथ खाने गई, विधायक बन गई थी, तो मेरा कजन है, 18-19 साल का होगा, उसके साथ मैं डिनर पे गई थी, और लिटरली अगले दिन मुझे इतने फोन आ रहे थे, किस लड़के के साथ गई थी तुम? क्या भैया, मेरा छोटा भाई है, कॉलेज में पढ़ रहा है। तो यू नो व्हाट आई मीन, ऐसी चीजें, मैं अपने भाई के साथ डिनर पे जाने पे दो बार मुझे सोचना पड़ता है। तो और अगर मेरी जगह कोई लड़का होता जो अभी भी विधायक बना होता, किसी अपनी बहन के साथ वगैरह, आई कैन प्रॉमिस यू दिस, हैविंग ग्रोन अप इन पॉलिटिक्स, कभी उसके पास ऐसे फोन नहीं आते। तो लड़कियों को तो हर स्टेप पे बहुत बहुत मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं। इसमें मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ अदिति से, कि बहुत छोटी भी हैं आप मुझसे, कि कोई अगर इस तरह के सवाल करे, अपने माँ बाप हों, बड़े हों, जो आपसे रिलेटेड हों, उनको तो सफाई दीजिए। ये सिर्फ मैं आपको नहीं बोल रही हूँ अदिति, हर लड़की को बोल रही हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर भगवान ने हमें लड़की बना दिया तो हम राह चलते सबको सफाई दें। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, हम क्या हैं, कैसे हैं, हमें पता है। मैं अपनी बेटी को भी बोलती हूँ, कभी गलत मत करना, हर बात मुझसे शेयर करो, क्योंकि मैं माँ हूँ, अगर मैं बोलती हूँ, कुछ गलती भी हो जाए तो मुझे जरूर बताओ, मैं डांटूंगी, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा ही बताऊंगी, तुम्हें अच्छा ही समझाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को अपनी बेटी को ये समझाना चाहिए कि आपको कैसे समाज में रहना है। मैं आपका परिवार आपके साथ है,
दुनिया से डरने की जरूरत नहीं और दुनिया को जवाब देने की जरूरत नहीं है, जवाब देना ही है तो माँ बाप को दो, क्योंकि हम तुम्हें देख रहे हैं, हम तुम्हें पाल रहे हैं, कोई और नहीं। और माँ बाप जो बोले जरूर मानना चाहिए। बिल्कुल, मैं कहती हूँ बात कहाँ से कहाँ कपड़ों तक आ गई। वही मैं, और वाकई बहुत दुख की बात है कि हम जिस समाज में बात मुझे पूरी कर, जिस समाज में हम जी रहे, जिस समय में हम हैं 21वीं सदी में, और आज हम कपड़ों की बात कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। आज मैं अगर बेटियों की बात करूं, आज लड़कियों की बात करूं, तो किसी भी क्लास की स्ट्रेंथ देख लेंगे तो 70% लड़कियां होती हैं। टॉपर्स का नाम देख लीजिए तो लड़कियां होती हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या वो कॉम्पिटेंट नहीं होती हैं? होती हैं। क्या वो इंटेलिजेंट नहीं होती हैं? होती हैं। लेकिन इतना डिस्क्रिमिनेशन कि लड़का और लड़की बोल करके, लड़के को हर चीज का अधिकार है, लड़का कहीं भी घूम सकता है, लड़के पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, लड़का कुछ भी पहन सकता है, लड़के की मानसिकता कितनी भी गंदी हो सकती है लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन एक लड़की अपनी इच्छा से कुछ कहीं जा नहीं सकती है, अपनी इच्छा से कपड़े नहीं पहन सकती है। मैं फिर बोलूंगी, हर लड़की को गलत नहीं करना चाहिए, बाकी आप ठीक रहिए, जो ठीक लगता हो एक मर्यादा में रह करके वो करिए आप। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया अगले सेशन का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन महिला सशक्तिकरण का मुद्दा कपड़ों में सिमट कर अगर रह जाएगा तो तार तार हो जाएगा, धागा धागा। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ अंजना जी, जिस तरह से हमने शुरुआत की थी, और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि आज जब हम महिला सशक्तिकरण पे इतने इम्पोर्टेंट फोरम पे बात करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका कोई आउटकम निकलेगा, पर मुझे विश्वास है कि फिर ये साथ हम सब लोगों का होगा और इस पे कोई ना कोई बड़ी चर्चा होगी और कुछ ना कुछ बड़ा इसका निकलेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।